अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा उर्दू विंटर पैक का लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 27 हमारा उर्दू का लास्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 27 में आज हम वर्कशीट नंबर 27 करेंगे। वर्कशीट नंबर 27 में आज हम अलिफ ता ज़ोई लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ, अलिफ के बाद लिखेंगे बे, बे के नीचे कितने नुक्ते लगाएंगे, एक नुक्ता। बे के बाद हम लिखेंगे पे, पे के नीचे तीन नुक्ते लगाएंगे, एक दो तीन। पे के बाद हम कौन सा हर्फ लिखेंगे, ते, ते के ऊपर कितने नुक्ते लगाएंगे, दो नुक्ते। ते के बाद हम कौन सा हर्फ लिखेंगे, टे, टे के ऊपर हम तोए बनाएंगे। टे के बाद कौन सा हर्फ लिखेंगे, से, से के ऊपर तीन नुक्ते लगाएंगे। से के बाद लिखेंगे हम जीम, जीम के अंदर हम एक नुक्ता लगाएंगे। जीम के बाद लिखेंगे चे, चे के अंदर हम तीन नुक्ते लगाएंगे। चे के बाद लिखेंगे हम हे, हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं आएगा। हे के बाद लिखेंगे खे, खे के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। खे के बाद लिखेंगे दाल, दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आएगा। दाल के बाद लिखेंगे डाल, डाल के ऊपर हम तोए बनाएंगे। डाल के बाद लिखेंगे जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता आएगा। जाल के बाद लिखेंगे रे, रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आएगा। रे के बाद लिखेंगे अड़े, अड़े के ऊपर हम तोए बनाएंगे। अड़े के बाद लिखेंगे हम जे, जे के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे। जे के बाद लिखेंगे ये, ये के ऊपर हम तीन नुक्ते लगाएंगे। ये के बाद लिखेंगे हम सीन, सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आएगा। सीन के बाद लिखेंगे हम शीन, शीन के ऊपर हम तीन नुक्ते लगाएंगे। शीन के बाद लिखेंगे हम स्वाद, स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आएगा। स्वाद के बाद लिखेंगे हम ज़ुआद, ज़ुआद के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। ज़ुआद के बाद लिखेंगे हम तोए, तोए के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आएगा। तोए के बाद लिखेंगे हम हर्फ ज़ोए, ज़ोए के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 27 मैंने कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारी लास्ट वर्कशीट है उर्दू की। आप सब ने भी नीट राइटिंग में अलिफ ता ज़ोए लिखनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।